नमस्कार साथियों, सबसे पहले उन बंधुओं के लिए जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है। आज का डेट हो गया 1/10/2024। तो चलते हैं दोस्तों, टाटा स्टील लिमिटेड जिसका कि शेयर प्राइस 168 रुपया 11 पैसा, यह google.com वेबसाइट का नाम है, उस पर शो हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी बेस्ड इन जमशेदपुर झारखंड एंड हेडक्वार्टर इन मुंबई महाराष्ट्र में। इट इज अ पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप, यानी कि यह कंपनी टाटा ग्रुप का पार्ट है। इसका CEO TV नरेंद्रन 31 अक्टूबर 2017 से अब तक है। फाउंडेड कब स्थापित हुआ था, 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। नंबर ऑफ द एम्प्लॉय 121,869, इतना इसका कर्मचारी है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन टाटा ग्रुप है। रेवेन्यू 2.44 लाख करोड़ का। और सब देख सकते हैं टाटा स्टील सब्सिडियरीज, इसका सब्सिडियरीज कंपनी जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, टाटा स्टील यूरोप, टाटा स्टील BSL, ऐसे करके ढेरों कंपनी है। एक आवश्यक सूचना दोस्तों, मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिएगा दोस्तों। टाटा स्टील पे थोड़ा सा शॉर्ट और जानकारी हासिल करते हैं। इसका मार्केट कैप 2 लाख से ऊपर में जा चुका है, यानी कि 2,10,410 करोड़ का। स्टॉक पी 130 का, स्टॉक पी काफ़ी ऊपर में जा चुका है। ROC 7.02%, ROE 6.55% का। बुक वैल्यू 73.70 रुपया और करेंट प्राइस 169 रुपया पे चल रहा है। फिर भी इसमें अभी भी अप ट्रेंड बनी रहेगी मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिएगा दोस्तों। 52 वीक का हाई लो 185 रुपया और 114 रुपया। डिविडेंड 2.14% और फेस वैल्यू 1 रुपया। अब देखते हैं NSEIndia.com वेबसाइट का नाम है इस पर, इसका शेयर प्राइस 168 रुपया 11 पैसा। ट्रेडेड वॉल्यूम देखते हैं तो लाख में है 923.82, यानी कि 9,23,00,000 का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है पिछले ट्रेडिंग डे में। काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग हुआ है इसमें। और डिलीवरी परसेंटेज रहा 44.62%, ये भी बहुत अच्छा है ऐसे स्टॉक के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं अनाउंसमेंट, 30 सितंबर 2024 को 5 अनाउंसमेंट जो कि दिख रहा है आपको, लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, लॉस एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट XBRL, लॉस एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट XBRL 2 है, और प्रेस रिलीज। BSEIndia.com पे इस शेयर का प्राइस 168 रुपया 45 पैसा पे क्लोजिंग हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इस शेयर से संबंधित जो न्यूज अपडेट है देख सकते हैं, टाटा स्टील शेयर प्राइस विल मूव बिटवीन 161 to 182.53 टुमारो, यानी कि एक दिन पहले का है, तो आज के डेट के लिए ये न्यूज है। इसी जगह पे एक और न्यूज है जो कि 19 आवर पहले का है, MSN का न्यूज है। टाटा स्टील शेयर इन एन अप ट्रेंड ओवरबॉट ऑन चार्ट्स। BSEIndia.com पे डिलीवरी जो परसेंटेज है वो 31.90% का है, जबकि क्वांटिटी ट्रेड हुआ 30,78,147 और डिलीवरी में उठाया गया 9,81,957। और इस जगह पे जैसा कि अनाउंसमेंट है 30/9/2024 का, तो यहाँ पर 2 ही है जो कि आपको दिख रहा होगा। अब जो अपडेट न्यूज है वो इस प्रकार है, प्रेस रिलीज।
सब्जेक्ट में है। इसका हिंदी रूपांतरण है, कृपया ब्लास्ट फर्नेस 4 के बंद होने के साथ एक युग का अंत, लेकिन हरित इस्पात परियोजना इस्पात निर्माण की अगली पीढ़ी सुनिश्चित करेगी। काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं अपडेट न्यूज कितना अच्छा इस स्टॉक के लिए है। एंड ऑफ एन ईरा विथ क्लोजर ऑफ ब्लास्ट फर्नेस 4, बट ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट विल इंश्योर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्टील मेकिंग। विस्तार पूर्वक समझने के लिए इस वीडियो को पॉज करके और पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छा न्यूज है ऐसे स्टॉक के लिए मेरे समझदारी के अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट जो कि देखने लायक है, मीन के द्वारा जो दिखा रहा है रिस्क मीटर, इस स्टॉक में 30% का बैलेंस्ड रिस्क है, ये भी पॉजिटिव है। इस कंपनी से एक संबंधित न्यूज द हिंदू बिजनेस लाइन डॉट कॉम पे है। टाटा स्टील ने पोर्ट टैलबोट स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस बंद किया। और क्यों बंद किया और उसके जगह पे क्या वहां पर होने वाला है, उसकी विस्तार पूर्वक जानकारी इसमें दिखेगा आपको। जैसा कि टाटा स्टील ने ब्रिटेन से प्राप्त स्क्रैप स्टील का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तकनीक में 1.25 बिलियन पाउंड का निवेश करने की योजना बनाई है, जिसका परिचालन 2027-2028 में फिर से शुरू होगा। तो काफ़ी अच्छा अपडेट न्यूज है इस स्टॉक के लिए। बाकी इसी का विस्तार रूप देख सकते हैं और इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। देख सकते हैं इसी न्यूज से संबंधित dnaindia.com वेबसाइट पर, टाटा स्टील यूके में सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी है, जिसका प्राथमिक इस्पात निर्माण साउथ वेल्स के पोर्ट टैलबोट में है। इस संयंत्र ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया जब इसके ब्लास्ट फर्नेस 4 ने 100 से अधिक वर्षों के बाद परिचालन बंद कर दिया। इसने विरासत इस्पात निर्माण का अंत कर दिया। और ऐसा क्यों किया तो उसकी जानकारी देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूके का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना अब हरित इस्पात निर्माण की ओर अग्रसर हो रहा है। आगे मुंबई मुख्यालय वाली इस्पात दिग्गज ने कहा कि वह ऐतिहासिक स्थल के लिए उज्जवल हरित भविष्य की आशा कर रही है और 5000 से अधिक नौकरियों को बनाए रखेगी। इस न्यूज का इफेक्ट आज के दिन में इस स्टॉक पर क्या पड़ने वाली है देखते हैं स्टॉक मार्केट खुलने के साथ में। बाकी अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।